हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनके एकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा कर लिया था, और हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस किसी भी मूविंग पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो पाथ होती है उसकी एक्चुअल लेंथ होती है, और जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात है तो इनिशियल से फाइनल तक जाने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से गाइज, हमने बहुत सारे सवाल भी आपको करके सिखाया था कि डिस्टेंस से हम कैसे सवाल करेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट से कैसे सवाल करेंगे। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी हम लोग, एंड दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे और फिर स्पीड के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में लगभग ज्यादा फर्क नहीं समझते हैं, लगभग चीज़ों को क्या करते हैं सेम ही मान के चलते हैं, लेकिन गाइज फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। पहली बात कि स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। बट बेसिकली ये है क्या, तो अगर आपको फील वाली बात करें तो आप लोग नॉर्मल तरीके से अगर दौड़ रहे होते हो, कोई अगर फास्ट मूविंग चीज़ें नज़र आ रही है तो आप बोलते हो कि सर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, या आप बोलते हो कि उसकी स्पीड ज़्यादा है। जनरली हम लोग यही डे टू डे लाइफ में बोल रहे होते हैं, हमें ज्यादा फास्ट नजर आती है तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये जो स्पीड या वेलोसिटी या जो एक्सेलरेशन वगैरह आगे जो टर्म्स आएंगी, ये हमारे फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे चारों बगल जो फिजिकल चीजें जो वैरी कर रही हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये क्वांटिटी लाई गई है। यानी अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है तो मूव करने में भी कई एक तरीके से है, जैसे मूव कर रही है तो कितनी मूव करी, किधर मूव करी, इसको तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से देख लूंगा। अब वो मूव कर रही है किस कितना फास्ट, मतलब कितना स्लो और कितना फास्ट, इसको बताने का काम करता है वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, जब भी हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम लोग यूनिट टाइम में बात कर रहे होते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव करने दें, अगर यूनिट टाइम में, या यूं कहें एक सेकंड में, एक मिनट भी बोल सकते हो, यूनिट का मतलब वन होता है, तो जो भी यूनिट आप वहां पे रखो, मिनट आओ सेकंड जो भी हो, या डे भी रख सकते हो, तो यूनिट टाइम में कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जितनी डिस्टेंस कवर कर ले, राइट, यूनिट टाइम में, या जितनी डिस्प्लेस्ड हो जाए, दोनों बातें अभी फिलहाल जनरल तौर पे बात बता रहा हूँ, अभी स्पेशल मैं वेलोसिटी और स्पीड नहीं कर रहा हूँ, तो यूनिट टाइम में कोई भी पार्टिकल जितनी डिस्प्लेस कर जाए, आप उसे डिस्टेंस के टर्म में भी बोल सकते हैं, आप उसे डिस्प्लेसमेंट के भी टर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी बॉडी अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चली जाए तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? फिर से मेरी बात सुने, जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो कितनी वो फास्ट मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है, इसको बताने के लिए हमारे पास फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी है, और वो कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर कोई पार्टिकल मूव करती है तो यूनिट टाइम में जितनी मूव कर जाती है, अब जितनी मूव मतलब अमाउंट जो मूव करती है, वो अमाउंट या तो हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोल सकते हैं या डिस्टेंस के टर्म में बोल सकते हैं, ये आप पे जाता है कि आप किसके टर्म में बोल रहे हो। तो जितनी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय करती है यूनिट टाइम में, उसी को कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड। बी केयरफुल यूनिट टाइम में, अगर कभी ऐसा हुआ कि यूनिट टाइम हम नहीं दे पा रहे हैं, पार्टिकल 10 सेकेंड लगाई है 20 मीटर ट्रैवल करने में, 10 सेकेंड लगाई है 20 मीटर ट्रैवल करने में, तो फिर यूनिट टाइम में कितनी ट्रैवल करती, बोलते कि सर 10 में अगर 20 ट्रैवल कर रही है तो 1 में 20/10 यानी 2, हर एक सेकेंड में कितनी ट्रैवल करी, 2 ट्रैवल करी। सो गई वहाँ 2 जो नंबर मिल रही है ना, वो स्पीड या फिर वेलोसिटी होगी। अब क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, अभी स्पेशल पढ़ेंगे तो समझेंगे, बस इतनी सी बात समझनी है कि स्पीड क्या चीज़ है, वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी चीज़ें हम लिए पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो क्या चीज़ है बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी वेलोसिटी। पहली बात कि ये ऑफ कोर्स यूनिट टाइम में
कवर किया हुआ कुछ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट है गाइस, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट, यूनिट टाइम में किसी भी पार्टिकल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होती है, या यू कहें पार्टिकल जितनी डिस्प्लेस्ड कर जाती है राइट, या चेंज इन जो पोजीशन होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट के ही टर्म में बोलते हैं। सो यूनिट टाइम में जितनी भी चेंज इन पोजीशन हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो या बॉडी जितनी डिस्प्लेस्ड कर जाए उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो बोल सकते हो द रेट ऑफ, बहुत तरीके से बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल या बॉडी भी बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी। अब जैसे ही मैंने चेंज इन पोजीशन बोला गाइस, तो पोजीशन का मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन, जैसे पार्टिकल वहां है तो एक सर्टेन डायरेक्शन है, पोजीशन में चेंज करी है। पहले अभी पार्टिकल की मान लीजिए कि पोजीशन ये थी और अब ये पोजीशन ये हो गई, तो इनिशियल कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर रही होगी आर वन, बाद में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गई होगी आर टू हो गई होगी राइट। तो चेंज इन जो पोजीशन हो गई, चेंज इन जो पोजीशन हो गई उसकी रेट, टाइम रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने बोला है। तो गाइस ये जो चेंज इन पोजीशन हो गई, अगर मैं इस वेक्टर को निकालूं, सो दिस इज आर टू माइनस आर वन, आपको पता है कि इनिशियल से फाइनल में जाते हैं तो जहां पे जाते हैं वहां की पोजीशन माइनस पहले वाले की पोजीशन, ये आपको पता है, जिसको हम चाहें तो डेल्टा आर बोल सकते हैं। सो अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं मैथमेटिकली, सो दिस इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, सिंपल चेंज इन। अब गई इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं ना, अगर पार्टिकल यहाँ है, पार्टिकल यहाँ चली गई, तो इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करने वाली वेक्टर वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। तो आप चाहो तो इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन डेल्टा टी, जो भी टाइम, ठीक है। अब डेल्टा टी क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम चाहे तो जो टाइम लगा है डायरेक्ट हम टी से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब डेल्टा टी इसलिए बोलते हैं गाइज, सिंपली इसलिए बोलते हैं, ध्यान से समझे, कि हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आर वन पोजिशन किसी टी वन टाइम पे थी। मान लीजिए कि समय स्टार्टिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी समय लगातार बीते जा रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैंने देखा कि उसकी पोजीशन वहां पे है। सो आर वन इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी वन राइट, और फिर हमने किसी टी टू टाइम पर देखा कि अब उसकी पोजीशन वेक्टर ये हो गई है, तो टी टू टाइम, तो टाइम कितना लगा, अगर हमने स्टार्टिंग में अगर उसे हमने 10 बजे देखा है यहां, ठीक है, और 10:05 पे देखा है राइट, तो क्या 10:05 समय लगा क्या, कि 10:05 में से 10 माइनस करेंगे तो यानी 5 मिनट का समय लगा। सो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम वो चेंज इन टाइम है राइट, या टाइम टेकन कह सकते हो। सो गाइस हम चाहें तो इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, आर टू माइनस आर वन, ज्यादा फील आएगी आपको, आर टू कब की थी टी टू टाइम पर, आर वन कब थी टी वन, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से भी चाहें तो हम चीजों को लिख सकते हैं, सब कुछ सेम ही है गाइस, सब कुछ सेम ही है, बस बेसिकली ध्यान इस बात का रखना है कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट तो किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो फिलहाल अपन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब में टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिजिक्स में ज्यादातर केस में गाइस हम लोग जहां रेट बोलेंगे तो नेचुरली वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब 99% केसेस में। हाँ कहीं पे अगर चेंज होती है तो वहां पे हम लोग डिटेल करेंगे। सो द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, इज इट क्लियर। या आप इसे बोल सकते हो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कि यूनिट टाइम में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत लोग इसको ऐसे भी कहते हैं बहुत लोग, द डिस्प्लेसमेंट of a particle per unit time is called rate. This is very easy. आप जैसे भी कर लो, लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी पोजीशन में चेंजिंग की बात होती है तब एक वो एक वेक्टर होता है। सो गाइज यहां एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। सो साफ क्लियर है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। अब ये तो सिंपल फील आ गया कि वेलोसिटी क्या चीज है,
अगर आपसे सवाल नॉर्मल सा करे तो आप बहुत आसानी से बना पाओगे। लेकिन गाइज जब हम लोग रेट की बात करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग रेट की बात करते हैं तो मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल बता रखा था कि रेट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो दो तरह की रेट होती है, एक को बोलते हैं हम लोग एवरेज रेट और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों को मैं फिर से क्लियर करता हूं, अगर आपने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज अभी जाके उसे पढ़ लें, क्योंकि ऐसे भी उस चैप्टर का जबरदस्त इसमें यूज होने वाला है, तो उस रेट वाले को आप एक बार अच्छे से देख लें तो आपको जबरदस्त फील आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेट कैसे दो टाइप की होती है और कैसे उसको फील करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस रेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ चेंज हो रही है तो किसी के बिहाफ पे चेंज हो रही होगी, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज हो रही होगी, टाइम बदल रहा है उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है, किसी भी सब्जी का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, किसी की हाइट लगातार बढ़ रही है, कोई बैलून अगर बैलून में कोई हवा अगर भरे जा रहा है, फिल किया जा रहा है तो बैलून की वॉल्यूम बढ़ी जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो बहुत कुछ चेंज कर सकता है, राइट। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी चीज़ चेंज करती है या कोई भी चीज़ चेंज हो रही है किसी के बिहाफ पे, राइट, तो हम इसका रेट निकालते हैं, ठीक है, इसका रेट निकालते हैं उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जिस पर वो चेंज कर रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में जनरली। तो उसे निकालने का बेसिक सा फंडा है कि टाइम में हम थोड़ा सा चेंजिंग देते हैं, ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट में या किसी उससे जुड़ा हुआ क्वांटिटी उसमें चेंजिंग निकालते हैं, तो चेंज डिवाइडेड बाई दैट चेंज। जैसे यहाँ पे देखो, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन टाइम, हालांकि डिफाइन करेंगे तो यूनिट टाइम में हो जाएगा, चीजें तो वही है। आप बोलोगे सर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर चेंज हो रहा है, तो एक टाइम में कितना हो गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो सर यूनिट टाइम में है, हाँ वही है, बात वही है, मैं रेशियो लगा रहा हूँ मतलब बात वही है, यूनिट टाइम में चेंज हुआ। तो इसी को हम लोग बेसिकली रेट बोलते हैं, क्लियर गई। फिलहाल यहाँ पे किसकी रेट मैं निकाल रहा हूँ, पोजिशन के चेंजिंग की रेट निकाल रहा हूँ, इज इट क्लियर। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई रेट होती है वो दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं एवरेज रेट और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज रेट का मतलब होता है डायरेक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, कोई इसमें कंडीशन नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा गैपिंग है छोटा गैपिंग है क्या मतलब है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस अगर आप कोई भी गैपिंग ले लेते हो, कोई भी चेंज ले रहे हो और उस चेंज किसी के बिहाफ पे हुआ होगा, राइट, किसी के रेस्पेक्ट में हुआ होगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम का चेंजिंग फिर वो पोजीशन की चेंजिंग सीधे डिवाइड कर लो, मतलब टोटल डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं द रेशियो ऑफ नेट चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, बस और कुछ नहीं देखना है। तो इस रेशियो को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, क्लियर गाइज। अब गाइज ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग जब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए जब लेते हैं तो वो जो चेंज इन पोजीशन होती है बहुत स्मॉल रखते हैं, बहुत बहुत स्मॉल रखते हैं, तो नेचुरली टाइम भी हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं। तो ऐसे रेशियोज को लगाते हैं तो हम उसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर फिलहाल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज बेसिकली अ रेट, सो वेलोसिटी भी दो टाइप की हो जाएगी, एक इंस्टेंटेनियस वाली और एक एवरेज वाली। तो सिमिलरली गाइस वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है और एक को मैंने बोला भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट कह सकते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और एक को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो ये ओवरऑल ऊपर से समझना है, बड़ा चेंज या फिर यू कहें कोई भी चेंज डिवाइडेड बाई सम चेंज जिस पर वो हो रही है, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा कितना सब मैं क्लियर करूंगा, और डिवाइडेड बाई वही छोटा सा चेंज, उन दोनों के रेशियोज को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर है। अब गाइज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, मतलब ऐसा करना क्या एवरेज से काम नहीं हो जाएगा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या फर्क है दोनों में। होता क्या है गाइज, जब भी किसी चीज का जब हम रेट निकालते हैं, जैसे सपोज करो कि मेरा वेलोसिटी का कुछ रेट आ गया, कुछ भी आ गया, सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, किसी का पोजीशन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे करेंगे तो ज़्यादा आपको फील आएगी, जैसे ओरल से कुछ होता नहीं है। सपोज करो कि किसी की पोजीशन मैंने देखी एक्स पे ही देखी, चलो 1D मोशन है तो किसी एक लाइन पर 5 मीटर मैंने देखी स्टार्टिंग की पोजीशन, और बाद की पोजीशन मैंने देख ली 50 मीटर, ठीक है, और टोटल टाइम जो लगा उसमें हमें तो वो दिखाई दे रहा है 10 सेकेंड ऐसा लगा हमें, ठीक है, मतलब 10 सेकेंड में चेंजिंग उसकी 45 की हो गई। मैं डेल्टा आर की बात करूं तो कितना हो गया 45, इतनी मीटर की चेंजिंग हुई। अब मैं पूछूं कि वेलोसिटी बताओ,
तो आप बोलोगे सर 45 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, यानी 4.5 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी हो गई इसकी, राइट, डायरेक्शन जिधर पार्टिकल चल रही होगी, जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1D मोशन से ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिलहाल। तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। अब जरा इसको हम एक्सप्लेन करेगा इस, तो आपको बहुत कुछ इसमें गड़बड़ी नजर आएगा। इसका क्या मीनिंग है? अगर मैं बोलूं कि 4.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है किसी की वेलोसिटी है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब तो ये निकलता है, आप बोलोगे कि सर हर एक सेकेंड में पार्टिकल 4.5 मीटर गई होगी। ये दावा किया जा रहा है कि पार्टिकल हर एक सेकेंड में कितनी गई होगी? 4.5 मीटर। अब सोचो क्या हकीकत में ऐसा है? सोच के देखो, पार्टिकल अगर 5 मीटर पर हमें शुरुआत में नजर आ गई, उसके बाद पार्टिकल चलने लगी, चलती ही जा रही है, और 50 मीटर पहुंची तो 10 सेकेंड। क्या इसमें पार्टिकल के मोशन के बारे में कोई भी चर्चा करी गई है? क्या गारंटी की पार्टिकल यहां से चली? रास्ते में पाइप तक तो दिखाई दे रही है, रास्ते में कुछ देर तक रुक गई, ठीक है, समय बीतता जा रहा है नो डाउट, फिर फास्ट चल करके 50 मीटर पहुंच गई, और 50 मीटर पर 10 सेकंड में पहुंच गई, ये भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल 5 मीटर पर दिखाई दी, स्टार्टिंग में काफी फास्ट चली, ठीक है, और बीच में बहुत देर तक रुक गई, ठीक है, और फिर वहां पर पहुंच गई जल्दी से। या ऐसा भी हो सकता है कि 10 बार रुकी पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल यहां चल रही है, फिर रुक गई कुछ देर, रुक गई फिर आगे चली कुछ देर, रुक गई फिर आगे चली कुछ देर, रुक गई, लेकिन हाँ 10 सेकंड में पूरा 50 मीटर कवर कर ली। अब गई मेरे को एक बताओ कि इस रिजल्ट से हम क्या दावा कर रहे हैं? हमने दावा किया कि भाई हर एक सेकेंड में पार्टिकल 4.5 मीटर गई। क्या हकीकत में ऐसा है? क्या हकीकत में हर एक सेकेंड में पार्टिकल 4.5 मीटर चल रही है? अब बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, हो सकता है स्लो स्लो चल रही हो, जिसके उस केस में एक सेकेंड में वो 4.5 मीटर ना जा करके एक ही मीटर जाए, और जिस समय बहुत फास्ट चल रही हो सकता है एक सेकेंड में वो 10 मीटर चला जाए। कमाल की बात है। तो ये जो हमने निकाला है गाइज, हम लोग इंटायर मोशन के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं किए, हम लोग उस पाथ के बारे में किसी पॉइंट पर तो चर्चा भी नहीं किया, हमने एक एवरेज, एक मोटा मोटी तौर पे हमने एक डेटा तैयार किया है, जो डेटा हमें ये बता रहा है, एक रफ डेटा बता रहा है कि अगर पार्टिकल एक 4.5 मीटर हर एक सेकेंड में चले, राइट, मान लो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको हमने किसी भी तरीके से ऐसा मैनेज किया कि वो 4.5 मीटर हर एक सेकेंड में चल ले, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, चलने दिया जाए, तो वो 5 से 50 तक पहुंच जाएगी, यानी 45 मीटर चली जाएगी 10 सेकेंड में, इसका कहने का ये मतलब। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए, कोई भी पार्टिकल ऐसे चल रही है तो रियल लाइफ में हर जगह क्या उसकी वेलोसिटी प्रेडिक्ट करी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। तो गाइस ये चीज समझो, जब हम इनिशियल और फाइनल की चर्चा करते हैं और डायरेक्ट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, तो जो डेटा निकल के आता है दैट इज द एवरेज, चाहे वो जब कभी भी जहां भी मिल जाए आपको, हर मोमेंट पर, हर इंस्टेंट पर अगर हम उसके बात कर रहे होते हैं, उसके डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे होते हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, तब वो चीजें क्या मिलती है? इंस्टेंटेनियस, ठीक है गाइज। अब बड़ा गैपिंग, अब आप खुद प्रैक्टिकल होकर सोचिए गाइज, फिजिक्स है, थोड़ा सा समय तो इसमें जाया होगा ही, प्रैक्टिकली सोचो, किसी बंदे को मैंने 10 सेकंड का मौका दिया, तो क्या 10 सेकंड में उसके पास वेरिएशन करने की अलॉट ऑफ चांसेस है? बोलोगे हाँ सर, बहुत देर तक वो रुक सकता है, 5 सेकंड तक आराम से रुक सकता है, फिर आगे फास्ट चल सकता है। अगर मैं किसी को 2 सेकंड मौका दूं, तो बोलोगे सर अब 2 सेकंड में थोड़ा मुश्किल है, अगर रुका तो पता चल जाएगा कि रुका हुआ है, इंस्टेंटेनियसली पता चलेगा कि वो रेस्ट में है, या फास्ट चल रहा होगा तब भी वो पता चल जाएगा कि सर अभी वो फास्ट चल रहा है। यानी अब क्या देख लो, अब मैं 1 सेकंड दे दूं तो बोलोगे सर 1 सेकंड में तो शायद उसको मौका भी ना मिल पाए, मैं 0.5 सेकंड दे दूं, हाफ सेकंड दे दूं, तो बोलोगे सर उसमें तो उसकी पूरी जो स्टेटस है वो पता पड़ जाएगी, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ, क्योंकि वो 0.5 सेकंड में क्या अपने आप को चेंज कर पाएगा। मैं बोलूं कि उससे भी और कम कर देते हैं तो बोलोगे सर 0.005 कर लेते हैं, उस केस में क्या उसकी जो स्थिति रहेगी क्या वही होगी कि उसमें भी फ्लक्चुएशन कर सकता है? सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो उतने में कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं होगा, अगर वो रेस्ट में है तो उस पल भर में तो वो रेस्ट में ही नजर आएगा, अगर हाई स्पीड में है तो उस पल भर में वो हाई स्पीड में भी होगा, उसमें कोई विशेष फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज क्या गेट कर रहे हैं
कि जब टाइम इंटरवल हम कम रख रहे हैं, किसी भी जब हम उसको स्टडी कर रहे हो किस भी पल में, तो अगर टाइम इंटरवल काफी कम रखेंगे सो फ्लक्चुएशन की चांसेस नहीं होगी। मतलब उस समय जो रेट निकालेंगे क्या वो एग्जैक्ट उसी के बराबर आएगी जो होना चाहिए? बोलोगे हाँ सर वो एग्जैक्ट। अगर रुकी हुई है तो डेल्टा आर कुछ होगी उस समय में? बोलोगे नहीं सर, उस समय तो डेल्टा आर जीरो हो गई, टाइम तो लग रहा होगा 0.05 सेकंड, तो डेल्टा आर कुछ है नहीं उस समय, रुका हुआ है, और टाइम उस समय कुछ है, मतलब उस समय वो जीरो आ जाएगा, जीरो बाई समथिंग जीरो, पता चल गया कि वो रेस्ट में है। अगर उस समय वो फास्ट मूव कर रहा है तो रेट आ जाएगा। मतलब क्या देख रहे हो, अगर टाइम गैपिंग को मैं काफ़ी कम ले लूँ तो पार्टिकल की जो रेट मिल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन मिल रही है, क्या वो एग्जैक्ट के करीब आ रही है? बोलोगे हाँ सर। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि अगर हम डेल्टा टी को, मतलब टाइम को, टाइम चेंजिंग को काफ़ी कम ले, टाइम टेकन काफ़ी कम ले, वेरी वेरी स्मॉल, नियरली जीरो, जीरो नहीं बल्कि नियरली जीरो, 0.005 मतलब काफ़ी कम है, जीरो के आसपास है, तो ऐसे केस में पार्टिकल की जब हम रेट निकालते हैं तो देखा जाए तो वो उस पल पे ही निकलती है। हम ये जरूर बोलेंगे कि 1 सेकेंड और 1.0005 सेकेंड के बीच का है, लेकिन देखा जाए तो वो 1 सेकेंड का ही है, क्योंकि एक और एक 1.005 में कुछ विशेष चेंजिंग नहीं होगी। हाँ वही मैं 1 सेकेंड बोलूँ और 10 बोल दूँ, अच्छा खासा चेंज हो सकता है। सो टाइम गैपिंग को काफ़ी कम करी जाए तो दरअसल पार्टिकल की उस समय जो रेट मिलती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट के आसपास होती है, और वो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, उस क्षण की है ना, उस क्षण की स्पीड है वो, रेट है वो, वेलोसिटी है वो। इज इट क्लियर? तो गाइज इस तरह से मुझे लगता है आपको फील आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश किया। इस तरह से हर चीज में आप ये समझ सकते हो। तो वेलोसिटी से अगर आपसे कोई पूछे, यूनिट वगैरह तो आपको पता ही है, मीटर पर सेकेंड हमने यूनिट और डायमेंशन में करा ही है इसके बारे में। वेलोसिटी जो है वो दो टाइप की होगी, एक को बोलेंगे हम लोग एवरेज, पहले एवरेज कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होगी इंस्टेंटेनियस, एक साथ लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी को नॉर्मल कैसे हम डिफाइन करते हैं? नॉर्मल अगर मैं बात करूं, एवरेज वेलोसिटी में शॉर्ट लिखता हूं, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजिशन टू द टाइम टेकन। सिंपल वही जो मैंने लिखा, टाइम टेकन, राइट, इट इज क्लियर। सो भी अगर मैं ए भी जी निकालू वेक्टर फॉर्म में, तो सिंपल जो अभी हमने लिखा है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या डेल्टा एस भी बहुत बार हम लोग लिखते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, आपको जैसे भी लिखना है लिखो, डेल्टा एक्स भी, अगर एक्स एक्सिस पे चल रही है तो बहुत बार हम डेल्टा एक्स बोलते हैं, वाई पे चल रही है डेल्टा वाई बोलते हैं। तो हर कुछ मैं पहली बार है तो मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि एक्स वाई जेड वगैरह कोई भी रहता है तो वो पोजिशन को ही बताता है। दिस इज वेरी इजी, क्लियर गाइस, इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो पहले तो आप गाइस इसको एक बार कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैथमेटिकल फॉर्म उसका क्या आएगा, कैसे उसको समझते हैं, और काफी मैं डिटेल बताने वाला हूँ अभी आपको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जस्ट टोटल चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम, राइट, टोटल की बात है यहाँ पे, ये बड़ा भी हो सकता है, एक मॉडरेट भी हो सकता है, छोटा भी, बस हमें केवल रेशियोज निकालना है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, सो डिफाइन करेंगे तो इसमें सिंपल होता है कि भाई किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, उस क्षण पे, इंस्टेंटेनियस का ये मतलब होता है, लिख सकते हो द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। बट मैथमेटिकली इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये भी तो कहीं ना कहीं रिलेशन है, रेशियोज है एक्चुअली डेल्टा आर और डेल्टा टी की, नो डाउट, बिल्कुल है, बट इसमें क्या स्पेशल है, खासियत क्या है? ये तब जब डेल्टा टी हमने काफी छोटा, टाइम इंटरवल को काफी छोटा लिया है, ये बात आपको पता है,
ठीक है, तो टाइम इंटरवल को काफी छोटा लिया। तो गाइस अब इसमें बार बार डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बोलोगे सर यहां भी तो वही चीज है, यहां भी तो वही चीज है, कैसे हम पता करेंगे कि इंस्टेंटेनियस है? तो अब देखिए मैं बताता हूं आपको, या तो आप ऐसे लिख करके लिख दीजिए, यहां पे बोल दीजिए कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है या फिर इस तरह से कंडीशन हमें लगानी पड़ती है, तो इसके लिए एक मैथमेटिक्स में लिमिट का कंसेप्ट है। इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, जस्ट लिखने का एक सिंबल है, इस तरह की चीज है, राइट। तो जब हम ऐसा लिख देंगे तो ऊपर जो लिखी हुई चीज है इसका भी मतलब और इसका भी मतलब एक ही है। और मैथमेटिक्स में इस चीज को, इस रेशियोज को हम लोग एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, और मैंने आपको डिटेल बता रखा है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू टी। सो हम कह सकते हैं कि डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। सो अगर मैं पूछूं कि भी इंस्टेंटेनियस क्या है, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन वैक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से चीजों को हम समझ सकते हैं। तो जहां कहीं डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है, कहीं भी किसी भी चीज का, अगर डी वाई बाई डी टी आ रही है, डी भी बाई डी टी आ रही है, डी कुछ भी गाइज, अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में हो, तो आप एक चीज तो बोल सकते हो, ये आर के चेंज होने का रेट है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर dy by dx हो जाए तो y के चेंज होने का रेट किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, मैंने बता रखा है उस चीज को। सो यहां पे dr by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और वो दे क्या रहा है दरअसल, हमें तो ये समझना, रेट तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये क्या है, इसका क्या नाम होगा? आम, इमली, कटहल, क्या होगा? तो एक्चुअली इसका जो नाम होगा ना, वो वेलोसिटी होगा, और इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। खूब अच्छे से क्लियर है गाइस? अब आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी कि सर इस पर सवाल कैसे बनेगा, मतलब हम कैसे जान पाएंगे कि पार्टिकल की कब क्या वेलोसिटी है, ये कैसे जानेंगे? और एवरेज तो हम लोग अभी भी बता पाएंगे, क्योंकि एवरेज में हमें बीच से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना नहीं है। इनिशियल पार्टिकल को देखें, फाइनल पहुंच गया देख लें, डिस्टेंसेस तो आपको पता ही होंगी, और डायरेक्ट आप क्या कर लें, टाइम पता कर लें। कोई यहां बाइक स्टार्ट किया, उसके स्पीडोमीटर को अच्छे से वाच कर लेंगे, उसके मीटर रीडिंग को देख लेंगे, और वो जहां पहुंचेगा, ठीक है, वहां पहुंचते ही फिर उसके टाइम को नोट कर लेंगे, और फिर उसके मीटर में देखेंगे कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस आपको पता हो गया बहुत ही आसानी से, ठीक है, और टाइम आपको पता है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, सब कुछ स्ट्रेट पाथ पर कर रहे हैं, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको पता हो गई डायरेक्ट, कि इतनी डिस्प्लेस कर गई और इतना टाइम लगा, राइट, डिवाइड किए, क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी। क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी। अब बोलोगे सर डायरेक्शन तो हाँ, जिधर चलिए उधर ही उसका डायरेक्शन होगा, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है तो ज्यादा इशू ही नहीं है, तो सीधे चली तो उसके जो एवरेज वेलोसिटी हो गई वो इसी डायरेक्शन में हो गई, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो हमने निकाल लिया। बट मैं पूछूं कि बीच में क्या उसकी स्पीड रही होगी, मतलब वेलोसिटी क्या रही होगी, सॉरी वेलोसिटी क्या रही होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रही होगी, जरा बताओ। अब आपके लिए यहाँ पे संकट हो जाएगा, बोलोगे सर कैसे बता पाएंगे, वो हो सकता है रुका भी हो सकता है काफ़ी स्पीड से हो, जाम लगी हो, स्लो स्लो चल सकता है, क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? कुछ भी हो सकता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे डेटा से हम नहीं निकाल पाएंगे, हमें उस पार्टिकल की इंटायर मोशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी एक सर्टेन कंडीशन के बेसिस पर अगर वो चल रहा है, यानी उस पार्टिकल को हम कहीं भी लोकेट कर पाए, अगर हम ये पता कर पा रहे हैं कि पार्टिकल इतने समय पे यहां पे है इतने समय में, क्योंकि पार्टिकल के पोजीशन को बिना दिए हुए कोई कैसे बता कर सकता है कि भाई आपका इस जगह पर स्पीड क्या है। तो उस केस में गाइज ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्टिकल की हर एक चीज हमें मालूम रहनी चाहिए, मतलब पार्टिकल की पोजीशन हर टाइम पर हमें पता रहनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे सवाल स्पेशल तरीके से सेट होंगे, उसमें बहुत सारी डेटा गिवन होगी, बिल्कुल बिल्कुल गिवन होगी, उसमें आपको दिख जाएगा कि पार्टिकल कब कहां पे दौड़ रही है, तभी आप बता पाओगे। अब आपके दिमाग में एक और बात, तो सर क्या इस डेटा के हेल्प से क्या एवरेज भी निकाल सकते हैं? हाँ गाइस, एवरेज में हमें क्या टेंशन है, बीच की जो चीजों को हम नहीं रखेंगे, हमें जितने जितने के बीच डाला गया है हम उतने उतने के बीच चीजों को देखेंगे, दैट्स इट आंसर। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? बहुत ही सिंपल चीज है, पहले आप चीजों को समझो, प्रैक्टिस तो इतना सारा करेंगे कि काफी अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए, भी इंस्टेंटेनियस क्लियर हो चुका, ग्राफिकल इसका वेरिएशन भी हम बात करेंगे, अभी डिटेल बात करेंगे, हम लोग दोनों चीजें साथ साथ करते चलेंगे, ग्राफिकल नॉर्मल तरीके से सब कुछ।
तो अभी इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस पर पहले एक दो चीज़ें समझते हैं, फिर ग्राफिकल पर आएंगे। दोनों चीज़ एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो गाइज पहली चीज़ तो ये, इस पर सवाल तो बहुत ही सिंपल सेट होगा, वो तो हम लोग बाद में कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे या कर भी लेते हैं, सिंपल है। चलिए मैं कर देता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, इजी भी है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गई, समझिएगा अच्छे से, और इसकी रेडियस 7 मीटर है, क्लियर है, और यहाँ 0 पर थी, और जब यहाँ पहुँची पार्टिकल तो 2 सेकेंड लग गया था, 2 सेकेंड, राइट, यहाँ पहुँचा तो 2 सेकेंड लग चुका था। मैं आपसे पूछूँ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी पाथ तो बना दी गई है, लेकिन कब वो पाथ, कब कितने समय में ये यहाँ पे है, कब है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस निकालना पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है। सो एवरेज वेलोसिटी मैं पूछूँ तो आप बोलोगे सर बेहद आसान है, भी ए वी जी, डायरेक्शन तो बाद में कर लेंगे, उसके वैल्यूज को पहले निकालते हैं, इसके वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, पाई आर, नो पाई आर नहीं हुई, इनिशियल से फाइनल में 2r, 2 into r, क्लियर है, 14 मीटर, कितनी मीटर हो गई, 14 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और उसमें डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से, टाइम कितना लगा, 2 से, अभी 2 से डिवाइड करना बाकी था, तो अब देख सकते हैं कितना हो गया गाइस, 7, बहुत ही सिंपल है, भी एवरेज कितनी हो गई, 7 meter per second। अब अगर कहीं कोई ऐसे लिख दे, इसका मतलब आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, 7 meter per second, इनिशियल से फाइनल तक की वेक्टर ऐसे है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल भले ऐसे चल रही हो लेकिन हकीकत में डिस्प्लेस तो आगे ही हो रही है ना, ए से बी की मैं बात करूँ, पार्टिकल हर इंस्टेंट में अलग अलग तरीके से मूव करी है, लेकिन फाइनली ए से वो बी पर डिस्प्लेस हो गई है। तो कोई पूछेगा कि ए से वो कहाँ डिस्प्लेस की गई, तो आप ऊपर बोलोगे या बोलोगे सर ए से वहाँ डिस्प्लेस, यही डायरेक्शन बोलोगे ना सर, यहाँ डायरेक्शन तो यही बोलोगे ना, सो डायरेक्शन डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी, इज इट क्लियर गाइस, बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में है तो शायद आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और घूम फिर करके वापस ए पे पहुंच गया, ठीक है, ए और बी इसका यहीं पे है, टाइम लगा दिया 10 सेकेंड, मैं पूछूं भी एवरेज क्या है, तो बोलोगे 0, क्यों, सोचो, अरे भाई पार्टिकल जहां थी वापस वहीं पे चली आई, तो भी एवरेज क्या हो गया, 0, भी एवरेज क्या हो गया, 0, बहुत ही सिंपल है, इज इट क्लियर गाइस, बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। और भी एक छोटा सवाल करते हैं, मान लीजिए कि एक पार्टिकल ए पे थी 2, 1, 2 पे थी, ठीक है, और एक पार्टिकल बी पे चली गई 4, 3, 6, ऐसी रैंडम कोई डेटा उठा रहा हूँ, तो कैसे भी चली गई, पाथ जो हो गया हो ऐसे चली गई, ए पे थी इनिशियल, टी इक्वस 0 पर थी, ज़्यादा क्वेश्चन लिख नहीं रहे, और इसमें टोटल टाइम इसने यूज किया 10 सेकेंड, और कहाँ पहुँच गई, बी पे पहुँच गई, कैसे भी पाथ को फॉलो करते हो, पाथ तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ। अब आपको, आपसे ये पूछा गया कि आप बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो भाई जब कैसे निकाले, ये सब मीटर में है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो डेल्टा आर आप निकाल लो, पोजीशन में चेंज, r2 माइनस r1 याद है, अब वेक्टर में लिखाना पड़ेगा, तो कैसे करें, R2 या डायरेक्ट आप अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी मेंशन करना है, तो डायरेक्शन मेंशन करना है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है तो हम आई जे के में लिख पाएंगे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा वो करना। तो ऐसे अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो बहुत ही सिंपल है, ए से बी तक की डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो, डायरेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगी, 4 minus 2 का whole square यानी 4, 3 minus 1 का whole square फिर से 4, 6 minus 2 4 यानी 16, ठीक है, तो 4, 4, 8 and 16, 8, 24 का रूट अंडर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस एंड टाइम लगा 10, 10 से डिवाइड करो, रूट अंडर 24/10, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट। बट गाइस अगर मैं वेक्टर में निकालूं तो कैसे निकालूंगा, आपको पता है कैसे निकालते हैं, 4 minus 2 यानी 2i cap, 3 minus 1 यानी 2j cap, एंड फाइनली 6 minus 2 4k cap, ये था डेल्टा आर निकाल लिया। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो डेल्टा आर में डिवाइड करना है 10 से,
सो दिस इज योर आंसर, कुछ भी खास नहीं है। अब आंसर को आप जिस फॉर्मेट में लिख लो ये आपकी मर्जी है, 10 से डिवाइड करके ऐसे भी लिख सकते हो, 0.2i, 0.2j एंड 0.4k। तो इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं, 0.04, 0.04, क्लियर है गाइस, 0.16, 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है गाइस। इसको आप आगे तोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना, 24/100 तो रूट है 25/10, ये तो मैंने ओरल ही कर लिया था, ठीक है गाइस। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल आप बना सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस जिसमें आप को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो हमें उस पाथ लेंथ, पाथ के बारे में, यू कहें पोजिशन के बारे में, हर मोमेंट के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले इसको अच्छे से कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते और आगे फिर सवाल ही करेंगे। मान लीजिए कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मेंशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, कुछ इक्वेशन में मेंशन है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन देना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एज आर इक्वल्स 3t² प्लस 40+1, कुछ इस तरीके से चेंज कर रही है r, जहाँ t टाइम है, मैं पूरा लिख देता हूँ, वेयर r इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, क्लियर है। ये मेंशन है कि r मीटर में है, ये जरूर देखना चाहिए क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन में ना यहाँ सेंटीमीटर दे देंगे और यहाँ पे कुछ और दे देंगे, फिर बोलेंगे कि आप स्पीड बताओ मीटर पर सेकेंड में, तो ये चीज़ देखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। फाइंड इट्स वेलोसिटी, अब गई जिसमें डायरेक्शन कहीं मेंशन नहीं है, तो ये ऐसा मान के चलना है कि ये स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि 1D मोशन पर रहे हैं, ये पार्टिकल कैसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पर, तो डायरेक्शन का तो कोई लोचा ही नहीं है बिकॉज ये सीधे आगे जा रही है, तो उसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगी, पहली चीज तो क्लियर हो चुकी डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड कितनी है मेन, ये मैटर करता है यहाँ पे। सो द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर इज समथिंग समथिंग वेयर आर इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स 2 सेकेंड। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए आप इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसकी शुरुआती वेलोसिटी भी आपसे पूछी गई है, ठीक है। और कभी कभी तो गाइस आपसे ये भी पूछा जाता है, जस्ट ए मिनट, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट चाहे डायरेक्ट लिखते हैं मोमेंटरीली, मतलब एक क्षण के लिए रेस्ट में आई होगी कभी ना कभी, तो उसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी है भाई कि पार्टिकल कब रेस्ट में आई, ठीक है गाइस। तो इसमें 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं। पहली चीज तो सवाल में क्या मेंशन है, पोजीशन पार्टिकल की मेंशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टिकल की पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए, और गाइस वाकई इसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। टी इक्वल्स 0 डालोगे तो पार्टिकल की पोजीशन जहां से, देखिए गाइस ये भी कमाल की है, पार्टिकल कहां से चल रही है बोलोगे कहां से, तो गाइस हमेशा पार्टिकल को कहां से सोचते हैं, 0 मतलब आर इक्वल्स स्ट्रेट लाइन की बात है, तो ओरिजिन से सोच के चलते हैं कि ओरिजिन से वो चली होगी, अगर ओरिजिन से बैक जा रही होगी, ठीक है, या बैक ही होगी तो उसकी पोजीशन अभी निगेटिव होगी, सोच के देखो ऐसा कुछ, ये 0 है। अगर मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल यहां ना होकर के यहां होगी, हम तो कैलकुलेशन यहां से करेंगे, राइट, तो हमारी सारी कैलकुलेशन यहां से मानी जाएगी। अगर स्टार्टिंग में ही पार्टिकल अगर यहां हो तो उसकी पोजीशन निगेटिव आ जाएगी, अगर स्टार्टिंग में पार्टिकल की पोजीशन यहीं हो तो उसकी पोजीशन 0 आ जाएगी, स्टार्टिंग में ही पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव हो कहीं पार्टिकल यहां हो जाएगी,
क्या मेरी बातें गेट करोगे गाइस? तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की पोजीशन स्टार्टिंग में टी इक्वल्स जीरो पर निगेटिव में हो सकता है। इट माइट बी पॉसिबल कि पार्टिकल की पोजीशन यहाँ भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जीरो पर भी। क्या मेरी बातें गेट करोगे गाइस? तो हमेशा पोजीशन कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से, यहीं से लिया करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, तो यहाँ तो इस इक्वेशन के हेल्प से आपको समझ में आ गया कि r इक्वल्स 3t² - 4t+1 क्या चीज़ है। वो आपको फिर फील भी आ रही होगी, और फिर उसकी वेलोसिटी निकालनी है इस पाथ के इक्वेशन के बेसिस पे, उसकी पोजीशन के इक्वेशन के बेसिस पे, कि भाई 2 सेकंड में जरा बता दो कि क्या स्पीड है उसकी, क्या रफ्तार रही होगी, राइट? और आप इनिशियली कितने से चली है ये भी बता दो, इससे भी पता चल जाएगा। और साथ साथ ये भी बता दो कि अगर रेस्ट में आई है कभी, है ना, तो वो कब रेस्ट में आ गई है, हर कुछ इससे मालूम किया जा सकता है केवल ये देख करके, है ना कमाल का चीज़ गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर टी इक्वल्स जीरो करूं, अभी इसमें बना रही हूं बस ऐसे नॉर्मल स्टार्टिंग की मैं बात करूं, टी इक्वल्स में जीरो डालूं तो टी जीरो जीरो यानी वन से, तो गाइस ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट करी होगी? अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं कि वन पॉजिटिव से स्टार्ट करी, 1 मीटर से स्टार्ट करी, आगे गई पीछे गई वो तो समय बताएगा, है ना। तो देखते हैं गाइस, हमें तो निकालना है स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी, कब? 2 सेकंड पे। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमने देखा कि भी इक्वल्स dr/dt, यही तो पढ़ा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे से आता है, होपफुली आप सब लोगों को अच्छे से आता हो जाए। चलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फटाफट, 3t² - 4t+1, एक बार टाइम पास थोड़ा करते हैं, 3 को बाहर करते हैं, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से, -4 को बाहर करते हैं, टी का डिफरेंशिएशन, और ये 1 का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, एंड टी स्क्वायर का 2t, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, और ये 0, सो 60 - 4। ये वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, और इसमें टाइम इन्वॉल्व है गाइज। क्या इन्वॉल्व है? टाइम, यानी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर ये होगी। अब वो टाइम डालते जाएंगे उससे पता पड़ते रहेगा। अब गाइस इससे ये भी पता चलेगा आपको कि स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ से चली आगे बढ़ी कि स्टार्टिंग से बैक आ गई, हर कुछ आपको मिल जाएगा गाइस, हर कुछ मैं आपको फील करवा देता हूँ इस सवाल के जरिए। अब सोचिए टी इक्वल्स, इसमें टी की जगह पर जीरो डाल के देखिए वेलोसिटी क्या आता है, पॉजिटिव आती है या निगेटिव? इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, और इस डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मान के चलते हैं, राइट? तो अब सोचो टी इक्वल्स जीरो डालो, बोलोगे सर टी इक्वल्स जीरो डालेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एट टी इक्वल्स जीरो, यानी इनिशियली, क्योंकि ये भी सवाल है हमारा, ठीक है, भी विल बी 6 × 0 - 4 विच इज -4 m/s। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि स्टार्टिंग में पार्टिकल बैक चल रही है, मैग्नीट्यूड पूछे जाए तो 4 ही बोलना चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन भी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि बैक में चल रही थी स्टार्टिंग में, अब ये तो क्लियर हो चुका। 2 सेकंड पर भी पूछा गया ना, तो चलिए वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 2 सेकंड क्या जवाब होगा फटाफट डालते हैं, तो भी इक्वल्स 6 × 2 - 4 8 m/s। और गाइस ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल शुरू में तो पलटी मारी थी ऐसे ऐसे से, और फिर बाद में आगे भी चली है, क्योंकि आगे जब भी चलेगा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात, आगे चलना पॉजिटिव है, ठीक है? आगे चलना, चाहे वो यहीं से आगे चलने लगे तो वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव मानी जाएगी। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आप निगेटिव में जाके बोलते हो कि पॉजिटिव, है ना? तो समझना अच्छे से, ये तो पोजीशन के लिए खींची गई है ना, ये जो डायग्राम है वो किसके लिए खींची गई? पोजीशन के लिए। वेलोसिटी की वैल्यूज होती है, और वेलोसिटी निगेटिव पॉजिटिव केवल डायरेक्शन से जज होता है। अगर पार्टिकल यहां है, समझना अच्छे से, यहां है तो ओरिजिन से इधर है, मतलब इसकी पोजीशन निगेटिव है, लेकिन पार्टिकल इधर ही है लेकिन चल आगे रही है, तो चल तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर पार्टिकल पॉजिटिव ही है लेकिन चल ऐसे रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? निगेटिव। हाँ, उसकी पोजीशन क्या है? पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा, पोजीशन अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है, ठीक है? पोजीशन निगेटिव भी हो सकती है, तो उस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? चलिए, तो होपफुली गाइस आप अभी आप स्टार्टिंग में हो, इसलिए इतना बकवास मैं किए जा रहा हूँ ताकि आपको एक बार पूरी फील आ जाए, कहीं ये कुछ डाउट ना रहे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फिर उसके बाद तुम लोग उड़ेंगे ही, जरूर उड़ेंगे, है ना? तो चलिए, इतनी बातें क्लियर है गाइस। 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी निकाल लिया, और इनिशियली तो निकाल लिया। अब एक लास्ट में सवाल है क्या, वो देखिए अच्छे से। ऑल्सो फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली, मतलब एक एक पल में पार्टिकल रेस्ट में आई होगी। अब बोलोगे सर कैसे आई होगी, जरा फील करवाइए डायग्राम से। तो स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां से चली, कैसे चली थी, आगे या पीछे?
स्टार्टिंग के वेलोसिटी निगेटिव पीछे आ रही थी पीछे, लेकिन कुछ देर के बाद मतलब आप ही देखो कि जैसे दो सेकंड की मैं बात करूं तो प्लस हो गई है। अब आप ही बताओ कोई ऐसे जाए और प्लस हो जाए, मतलब क्या ऐसे जाते जाते बिना रुके हुए डायरेक्ट बैक हो सकता है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल ऐसे जाए और बिल्कुल ही ना रुके, ठीक है, और डायरेक्ट इधर स्पीड हो जाए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, नेवर। मतलब अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रही है तो पल भर के लिए उसको रुकना पड़ेगा, फिर इधर स्पीड करना पड़ेगा हर हाल में। तो गाइस यहाँ पे लग रहा है ना कि सर एक पल में कहीं ना कहीं पार्टिकल रेस्ट में आई है, तो वही तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पार्टिकल जिस केस में रेस्ट में आई होगी उस केस में वेलोसिटी जीरो हुई होगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ना, व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो वैसे केस में इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी, और वेलोसिटी जीरो रही होगी तो वेलोसिटी का जनरल वेलोसिटी में बात कर रहा हूँ तो 60 - 4 = 0, तो 60 = 4, सो टी विल बी 2/3 सेकेंड। तो यस, स्टार्टिंग के 0.666 आएगा, तो स्टार्टिंग के 0.67 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में आई है। इज इट क्लियर गाइज? पूरी फील आ रही है इस क्वेश्चन के हेल्प से कि पार्टिकल का हम हर कुछ समझ पा रहे हैं अच्छे से? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अब आपके दिमाग में सर इससे एवरेज वेलोसिटी आपने नहीं निकाला, वो भी करेंगे गाइज, जस्ट नेक्स्ट सवाल में करेंगे। नेक्स्ट सवाल एक और सवाल इस टाइप का देते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन सेट करेंगे, उसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और लगाते हैं जिसमें हम लोग सब कुछ निकालने की, लंबा सवाल सेट नहीं करते, सिंपल आर लिखते हैं। ऐसा हमने लिख दिया आर, जहां पोजीशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, मीटर में है, सेकंड में, सब कुछ डेटा सही है। आपसे क्या क्या पूछा गया है? फाइंड द, डायरेक्ट में लिखता हूं, वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 4 लिख देता हूँ अब की बार, राइट। एक चीज़ बताना है, फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स 4 सेकेंड। अब गई ये कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? तो किसी पल में पूछा गया है देखो, तो वो इंस्टेंटेनियस ही है डेफिनेटली। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल्स 1 सेकेंड 2t = 3 सेकेंड, राइट। 1 और 3 सेकेंड के बीच इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है। तीसरा, फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन इट, मतलब पार्टिकल ही ले देता हूं, comes to rest momentarily, और भी बोलता हूं, find its velocity when it crosses the origin। देखना गाइज, देखने में तो आपको कुछ सवाल वाकई लग रहा होगा कि नया सवाल आपने सेट कर दिया, लेकिन सारे सवाल आपसे हो जाने वाले हैं एक सवाल एवरेज छोड़ करके। चलिए आइए मैं बताता हूँ आपको। पहले जो सवाल है वो आप देख रहे हो, वेलोसिटी निकालनी है t = 4 पे। तो गाइज सिंपल सी बात है कि मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलिए उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग रख लेते हैं। तो सबसे पहले भी किसी भी टाइम पर कर लेते हैं dr/dt। अब हम लोग फटाफट डिफ्रेंशिएशन करेंगे गाइज, तो 6 को पीछे करते हैं और टी स्क्वायर का 2t आप याद कर लें, टी स्क्वायर का 2t माइनस 4 और t का 1 और 8 का 0। तो डायरेक्ट हम लोग छोटा छोटा काम अब फास्ट करना चाहिए हमें, काफ़ी अच्छा खासा समय हमने लगाया है केवल डिफ्रेंशिएशन पर। तो 12t - 4 ये हमने वेलोसिटी निकाल लिया, इज इट क्लियर? अच्छा ठीक है, तो पहला सवाल तो डन, कुछ है ही नहीं, 4 सेकेंड पर आपसे पूछा गया है, तो भी एट 4 सेकेंड, राइट। सो दिस इज 12 × 4, 44 मीटर पर सेकेंड, इज इट क्लियर?
48 आ जाएगा, 48 में से 4 चला गया दिस। बी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन समथिंग एंड समथिंग। अब सोचिए गाइस, एवरेज वेलोसिटी होती है इस इंस्टेंट की पोजीशन R1 और उस इंस्टेंट की पोजीशन R2 में से, R1 मतलब सीधे R2 माइनस R1, पोजीशन में से सीधे डिफरेंस करो और डायरेक्ट डिवाइड करो टाइम से। सो चलिए मैं R1 निकाल लेता हूँ, R1 मतलब पहले टाइम पर, मतलब 1 है तो 1 डालते हैं उसमें, तो 6 इंटू पोजीशन में डालेंगे 1, बिकॉज पोजीशन निकालनी है R1, तो R में डालेंगे 1, तो 1 स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 8, 10 आ रहा है ना, बिल्कुल 10 मीटर पे है, प्लस 10 मीटर पे है, और जैसे ये प्लस 10 मीटर पे है। मैं R2 की बात करूँ तो R2 हमें 3 सेकेंड पर कहाँ दिखेगा, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 8, ये माइनस है शायद यहाँ पे, हाँ आप देख सकते हो 50 आ जाएगा, माइनस 4 50 आ जाएगा गाइज, राइट। सो व्हाट इज डेल्टा आर, दिस इज आर टू माइनस आर वन, सो 50 माइनस 10 विच इज 40 मीटर, इज इट क्लियर। और डेल्टा टी की मैं बात करूँ, सो टी टू माइनस टी वन एंड विच इज 3 माइनस 1, लिख देता हूँ एक बार, हालांकि ओवरऑल हो सकता था। सो गाइज मैं भी एवरेज निकाल लूँ, सो दिस इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड निकाली जा रही है, सो 40 बाई 2 20 मीटर पर सेकेंड, इज इट क्लियर। तो कुछ भी खास नहीं है, अब इस तरह के सवाल जहाँ कहीं भी आए आप खुद से अटैम्प्ट करना, राइट। चलिए सी देखते हैं, फाइंड इट्स पोजिशन वेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली। ओहो, इसकी पोजिशन पूछी गई है गाइज, क्या पूछी गई है, पोजिशन कब, जब पार्टिकल रेस्ट में आएगी। पार्टिकल कब कब रेस्ट में आएगी, जब वो चेक करना पड़ेगा, पार्टिकल कब कब रेस्ट में आएगी, एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार, ये भी हो सकता है ना, पार्टिकल कई एक बार रेस्ट में आती है, हो सकता है पार्टिकल ऐसे गई फिर पलटी मार गई फिर पीछे गई फिर पलटी मार गई, जितनी बार पलटी मारती है स्ट्रेट लाइन पर उतनी बार पार्टिकल रेस्ट में होती है, इज इट क्लियर। तो चलिए यहां पे देखते हैं, फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ठीक है, मोमेंटली। अब उसकी पोजीशन कहां पे पार्टिकल रेस्ट में, पोजीशन पूछा गया है। अब गई पोजीशन मतलब आर, राइट, आर पूछा गया है, तो आर हमसे तब निकलेगी जब टी दिया जाएगा, क्योंकि आर और टी दोनों वेरिएबल है, तो वो टी निकालना पड़ेगा जब पार्टिकल रेस्ट में आ गई है, और पार्टिकल की जनरल वेलोसिटी ये निकली हुई है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो दिस इज वेरी सिंपल, भी उस समय जीरो हो जाएगी। तो हम इस तरह से चीजों को देख पा रहे हैं, 1/3 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में आ गई, इसका मतलब अगर मैं टी के जगह पर 1/3 डाल दूं तो आर पता चल जाएगा, वो पोजीशन पता चल जाएगा, बिल्कुल। सो इसलिए पोजीशन उस केस में हमें पता पड़ जाएगा, सो 6 इंटू 1/3 होल स्क्वायर, राइट, सो 3 टू जा एंड 3 3 जा, थ्री एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 4 प्लस 24 माइनस 2 22/3, राइट। सो 22/3 प्लस, मतलब ओरिजिन से राइट साइड में ये पार्टिकल उस समय एग्जिस्ट कर रही है, यानी पलटी कहां पे मारा है, आगे ही पलटी मारा है। चलिए आगे देखते हैं, डी देखते हैं, फाइंड इट्स वेलोसिटी, ओहो भी चाहिए, यानी भी चाहिए, ओ तो भी निकालने के लिए टी चाहिए। अब टी का क्या ध्यान रखिए, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, ओहो जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगी गाइस, जब ये ओरिजिन को क्रॉस करेगी उस केस में वेलोसिटी निकालनी है। अब ओरिजिन को कब क्रॉस करेगी, जिस केस में आर जीरो होगी। अब कमाल की बात ये है कि हमें वेलोसिटी उस समय निकाल सकते हैं, हम वेलोसिटी तो कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें टाइम चाहिए होगा, और इस सवाल के लिए टाइम डायरेक्ट ना देकर के रेफर किया है कि वो टाइम तुम खुद निकालो जब ये पार्टिकल ओरिजिन से क्रॉस करेगी। अब गाइस ये थोड़ा लेंदी होगा, वो आप खुद से बना देना, मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, मैं क्या बताता हूँ, वेन आर इक्वल्स जीरो, अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, 60 स्क्वायर माइनस 40 प्लस 8 विल बी जीरो, सही है, 2 पहले हटा लो, अगर जल्दी हो जाने वाला है सही है, नहीं तो फिर जाएगा क्वाड्रेटिक से। तो यहाँ से टी निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। कमाल की बात यह है गाइज, कमाल की बात यह है कि कोई भी टाइम यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, कोई भी टाइम पॉजिटिव नहीं आएगा,
मतलब पॉजिटिव छोड़ो, पॉजिटिव छोड़ो गाइज, मतलब टाइम कोई रियल आएगा ही नहीं, टी इज नॉट रियल, सोचो सोचो, बिकॉज यहाँ अंदर में निगेटिव हो गया, रूट के अंदर में कभी निगेटिव नहीं होता रियल नंबर में, तो साफ क्लियर है कि टाइम कभी ऐसा होने ही नहीं जा रहा है जब पार्टिकल ओरिजिन पे आएगी, तो सीधी सी बात है क्या उस समय कोई वेलोसिटी पॉसिबल है, तो नो। तो गई ये सवाल मैंने ऐसे रैंडम सेट कर लिया, सवाल अच्छा हो गया कि पार्टिकल ओरिजिन पे आई ही नहीं। हाँ ऐसा भी हो सकता था कि टी की जगह पर मैं जीरो डालता, आर की जगह पर सॉरी जीरो डालता और यहां से टी कुछ निकल जाता, ठीक है हो सकता है दो दो टी निकल जाता, क्वाड्रेटिक है तो दो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर एक भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है तो या तो दो दो सॉल्यूशन हो जाए या एक भी सॉल्यूशन हो जाए, अगर दो दो सॉल्यूशन हो जा रहा है तो वैसे केस में दो ऐसा वेलोसिटी होगा राइट, और अगर एक ही बार हो रहा है तो फिर एक ही होगा, और कभी कभी नहीं होगा जैसे इसकी तरह, तो उस केस में कोई वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है बिकॉज पार्टिकल ओरिजिन पर अप्रोच ही नहीं की, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के मन में हो रहा है सर पॉजिटिव में जाकर रिटर्न मारी है एक बार कहीं पर यहाँ मिला है, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, हाँ देख सकते हो ये 22/3 पर आगे पॉजिटिव, तो सर कहीं ओरिजिन से क्रॉस किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है पार्टिकल आगे गया हो और लौट के आया हो फिर वापस लौट गया, मतलब ओरिजिन को पार्टिकल क्रॉस ही नहीं किया, अगर क्रॉस करता तो आर पक्का क्या होता, जीरो होता, इज इट क्लियर। तो इस तरह से गाइज आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतनी ही छोटी छोटी चीज़ों को रखेंगे, ज़्यादातर हम लोग आज वेलोसिटी के बारे में चर्चा किए हैं और वेलोसिटी का जो कंसेप्चुअल पॉइंट है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, होपफुली आपको अच्छे से क्लास समझ में, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो सेशन में।